नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल त्रिज्ञा ट्रेवल व्लॉग्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी 25 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, केदारनाथ यात्रा में सोनप्रयाग तक का जो पड़ाव है, जो एक पड़ाव है सोनप्रयाग, वहाँ तक ही हम हमारी गाड़ियों के माध्यम से, बस या फिर टैक्सी या फिर प्राइवेट व्हीकल के माध्यम से जा सकते हैं। सोनप्रयाग के आगे हमें हमारे पर्सनल व्हीकल्स ले जाने की परमिशन नहीं होती है, ना ही बसेस चलती हैं। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड, इसके बीच की जो दूरी है 8 किलोमीटर, वहाँ पर प्राइवेट टैक्सीज चलती हैं। शेयरिंग टैक्सी के माध्यम से आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुँच सकते हैं, और उसके बाद गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक हमारी 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग चालू होती है। लेकिन दोस्तों, कई श्रद्धालु जो पैदल ट्रैक नहीं करना चाहते हैं, या तो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से, या फिर जिन्हें ट्रैकिंग में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, तो वो लोग गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ बेस कैंप तक का जो अपना सफ़र है, वो घोड़े, पिट्ठू या फिर पालकी के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार केदारनाथ यात्रा पर भी महंगाई की मार पड़ी है। जो घोड़े खच्चर के रेट्स हैं, वो पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 10% तक बढ़ा दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि जो पिछले साल के रेट्स थे, 2022 के जो रेट्स थे घोड़े खच्चर और पालकी के, उनमें और इस वर्ष 2023 के रेट्स में कितना अंतर आया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और पहली बार चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ धाम के बीच में कुछ पड़ाव आते हैं, उनकी दूरी आप जान लीजिए। जैसे सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी है 8 किलोमीटर, गौरीकुंड से केदारनाथ धाम का जो ट्रैक है वो है 16 किलोमीटर का। गौरीकुंड से भीमबली तक, ये एक जगह है बीच में, उसकी दूरी है 6 किलोमीटर। गौरीकुंड से लेकर लिंचौली, लिंचौली भी एक जगह आती है, उसकी दूरी है गौरीकुंड से लिंचौली तक की 10 किलोमीटर की। आगे वीडियो में आपको बताते हैं कि पिछले वर्ष 2022 में घोड़े खच्चर के क्या रेट थे, और इस वर्ष 2023 में इनके रेट्स में कितनी बढ़ोतरी हुई है, आपको कितने अधिक पैसे इस वर्ष 2023 में, यदि आप घोड़ा खच्चर करके पैदल यात्रा करते हैं, तो आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो यदि आप सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के लिए घोड़ा लेते हैं, तो पिछले साल इसका रेट था 2740, और इस वर्ष ये बढ़कर हो गया है 3000 रुपये। सोनप्रयाग से लिंचौली तक के इनके रेट हो गए हैं 1940 रुपये से 2100 रुपये। सोनप्रयाग से भीमबली तक का इसका रेट हो गया है 1390 रुपये से 1500 रुपये। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक यदि आप घोड़ा या खच्चर लेते हैं, तो पिछले वर्ष उसका रेट था 2540 रुपये, जो इस वर्ष बढ़कर हो गया है 2750 रुपये। गौरीकुंड से लिंचौली तक का घोड़े खच्चर का रेट पिछले वर्ष था 1840 रुपये, जो अब हो गया है 2000 रुपये। गौरीकुंड से भीमबली तक घोड़े खच्चर का रेट पिछले वर्ष था 940 रुपये, जो अब बढ़कर हो गया 1000 रुपये। भीमबली से केदारनाथ धाम तक का इनका रेट था पिछले वर्ष 1440 रुपये, जो अब हो गया है 1550 रुपये। लिंचौली से केदारनाथ धाम तक की जो रेट थे वो पिछले वर्ष थे 790 रुपये, वो अब हो गए हैं 850 रुपये। गौरीकुंड से लिंचौली, भीमबली और केदारनाथ धाम, यहाँ की दूरी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रुपये किस हिसाब से लगेंगे। अब आपको बताते हैं कि केदारनाथ बेस कैंप से लेकर के आप नीचे उतरते समय घोड़ा या खच्चर यदि करते हैं, तो आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। केदारनाथ बेस कैंप से लेकर सोनप्रयाग तक पिछले वर्ष इसका रेट था 1940 रुपये, जो अब बढ़कर हो गया है 2100 रुपये। केदारनाथ बेस कैंप से गौरीकुंड तक के लिए जो घोड़े खच्चर का रेट था, वो पिछले वर्ष था 1750 रुपये, जो अब बढ़कर हो गया है 1900 रुपये। केदारनाथ बेस कैंप से लेकर भीमबली तक का इनका रेट पिछले वर्ष था 1040 रुपये, जो अब हो गया है 1100 रुपये। केदारनाथ बेस कैंप से लेकर लिंचौली तक का घोड़े खच्चर का रेट पिछले वर्ष था 740 रुपये, जो अब हो गया है 800 रुपये। लिंचौली से गौरीकुंड, लिंचौली बीच में एक स्टॉप पड़ता है, वहाँ से लेकर गौरीकुंड तक का जो रेट है वो पिछले वर्ष था 1140 रुपये, जो अब हो गया है 1200 रुपये।
लिंचौली से सोनप्रयाग तक का। घोड़े खच्चर का रेट पिछले वर्ष था 1,490 रुपये, जो अब हो गया है 1,600 रुपये। और भीमबली से गौरीकुंड तक का घोड़े खच्चर का रेट पिछले वर्ष था 940 रुपये, जो अब हो गया है 1,000 रुपये। दोस्तों, गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ जो बेस कैंप है वहाँ तक चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, चढ़ाई मुश्किल होती है, क्योंकि हमें धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंचना होता है, सांस भी हमारी फूलती है, हमें थकान भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन चढ़ाई की अपेक्षा उतरना आसान होता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ धाम तक पालकी के माध्यम से जा सकते हैं, इस वर्ष उसका रेट भी 7,000 से लेकर 9,000 रुपये के बीच में हो चुका है। इस वर्ष यदि केदारनाथ धाम की यात्रा आप घोड़े, पालकी या फिर खच्चर के माध्यम से करना चाहते हैं तो फिर आपको आपके ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उम्मीद है दोस्तों, वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इस लाइक को शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले दिनों में केदारनाथ धाम यात्रा से रिलेटेड या फिर चार धाम यात्रा से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।